क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, थ्री में, कंकेव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन, तो ये बताओ कि इसमें 3/2 बड़ा है या फिर इसमें 4/3 बड़ा है, 3/2 बड़ा है, तो यानी कि ये डेंसर है, ग्लास डेंसर है और जो वाटर है वो यहां पर रेरर है, तो छोटे वाले रेरर को म्यू वन से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसर को म्यू टू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, म्यू वन म्यू टू क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इन वॉटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? वॉटर में। वॉटर रेरर है कि डेंसर है? रेरर है, तो ऑब्जेक्ट अगर रेरर में है तो रेज कहां से निकलती है? ऑब्जेक्ट से, रेरर से, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेरर टू डेंसर। ये भी समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो रेरर टू डेंसर का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला है, ठीक, ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है? म्यू वन म्यू टू गिवन है, तो ये सारी वैल्यूज गिवन है, और क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है, तो यू तो हमेशा क्या रहेगा इसमें? नेगेटिव, तो यू भी पता लग गया। अब वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द इमेज। अब प्रॉब्लम है कि आर, आर बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव, ये कनकेव है कि कन्वेक्स है? कनकेव है। कनकेव का कौन सा केस है? रेरर टू डेंसर। आपने पांच केस किए थे, चेक कर लो अपना पांच केस, उसमें रेरर टू डेंसर में कनकेव में आर क्या होता था? नेगेटिव, नेगेटिव, और डेंसर टू रेयर में कनकेव का आर क्या होता था? पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, तो सारा कुछ आ गया, सारा कुछ पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? वी आ जाएगा आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट। यस सर। मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर, ये राजी आपका ग्लास स्फीयर, ये रहा आपका मार्क, ये रहा मार्क है, इज व्यूड थ्रू अ ग्लास, ग्लास के थ्रू देखा गया मार्क, ऐसे देखा गया, तो आई यानी कि ऑब्जर्वर की यहां पे है, तो मार्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर फंसा हुआ है? ग्लास के ऊपर, और आई अगर यहां पर है तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम व्हाट? डेंसर टू रेयरर। पहला स्टेप क्लियर है, क्योंकि ग्लास से आईज में जाएगी, आई तो रेरर में है, ऑब्जेक्ट डेंसर में है, तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डेंसर टू रेरर। पोल क्या लिया जाएगा? आई के पास ये पोल है, ये पोल है, रेज कैसे आ रही हैं? मेरी तरफ आ रही हैं, तो इसमें जो रेडियस लिया जाएगा, रेडियस या ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी नेगेटिव कितनी? रेडियस का डबल, रेडियस कितना है? डायमीटर कितना है? 10, तो यू कितना है? -10, यू -10 हो गया। रेडियस क्या होगा इसमें? रेडियस भी इस तरफ है और रेज इस तरफ आ रही है, तो रेडियस भी क्या होगा? -5, तो यू -10 है और रेडियस -5 है, तो यहां पर डेंसर टू रेरर का फॉर्मूला लगा लें, आर नेगेटिव है, यू नेगेटिव है, वी निकाल लें आंसर, और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेरर। कोई डाउट इसमें? यू कैसे नेगेटिव? यू 10, ये पोल है आपके पास, ये मार्क है, ऑब्जेक्ट है, पोल से ये दूरी डायमीटर नहीं है, और डायमीटर 10 गिवन है, हो गया 10, कोने पे है ना, सरफेस पे है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट देखा जा रहा है ना, देखने वाला बिल्कुल ऑपोजिट है मार्क के, ऑपोजिट तो डायमीटर हो गया ना, एक स्फीयर का ऑपोजिट डायमीटर। हाँ, मार्क कहां पर है? यहां पर है। रेज कैसे आ रही है? बाहर, बाहर का मतलब इस तरफ आ रही है, पर हम पोल का डिस्टेंस यहां ले रहे हैं ना, वैसे भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही नहीं है ये, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, तो ये तो मतलब सोच भी कैसे सकते हो यू पॉजिटिव, यू तो हमेशा नेगेटिव ही है इसमें, बात ही खत्म। पर वैसे लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको कि रेज डेंसर से रेरर आंख की तरफ आ रही है और हम पोल से ये वाले डिस्टेंस ले रहे हैं, तो नेगेटिव, तो आर भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द ग्लास स्फीयर। ध्यान आगे प्लीज,
ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या आगे बना है, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे ग्लास स्फीयर से, इसका रेडियस 10 है, अलोंग द डायमीटर के ऊपर। वेयर विल बी द फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन एट बोथ द सर्फेसेस। तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है कि ये आपका मान लो एक स्फीयर है, तो इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो ये है, ये है। इसके अंदर पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो ये लो, ये आपका पोल है P1। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से U कितना है, -50। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस इसका क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो रिफ्रैक्शन विल बी फ्रॉम व्हाट, रेयरर टू डेंसर। तो फॉर्मूला रेयरर से डेंसर का, और सेंटर राइट की तरफ है तो आर की वैल्यू इसमें प्लस में होगी, प्लस कितना इसमें 10 है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, प्लस 10 है, कोई डाउट इसमें, तो आर की वैल्यू इसमें प्लस 10 है, यू इसमें नेगेटिव है, आर इसमें पॉजिटिव है। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, वेयर विल बी द फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन एट बोथ द सरफेस। एक काम करते हैं, पहले इससे इमेज बनाते हैं। तो इमेज के लिए रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर में म्यू वन एयर है, एयर का म्यू वन क्या है, 1, और डेंसर का म्यू टू आपको गिवन है कितना, 1.5। तो आप रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व करके क्या निकाल लें, वी आ गया, कोई डाउट इसमें, वी निकाल लेंगे, वी आ गया, एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये लेते हैं, तो ये आपकी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये री सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या है, पोल है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से वी कितना आ रहा है, कोई चेक कर सकता है वी कितना आ रहा है, इसमें चेक करना, फर्स्ट रिफ्रैक्चर छोड़ो यहां से कर लेते हैं, वी की वैल्यू आ रही है कितनी, 50 आ रही है। तो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये थी, ये चेक करो, ये री, इससे 50 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो वी आ गया। अब सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये इमेज क्या मानी जाएगी, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसकी बनाई हुई इमेज ये ऑब्जेक्ट मानेगा और इसकी फाइनल इमेज कहीं और बना देगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यू क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि राइट की तरफ है। तो अगर ये पोल है तो इससे ये दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 50 है, और डायमीटर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है जो कि कितने है, डायमीटर कितने है? चेक करना, 20 है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30। तो सेकेंड सरफेस के लिए यू की वैल्यू क्या होगी, +30। +30 क्यों, क्योंकि राइट की तरफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये स्टेप समझ में आ रहा है, सेकेंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से 30, क्या पॉइंट क्लियर है। सेकेंड सरफेस के लिए आर क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि उल्टी तरफ है, रेज इधर जा रही है, हम उल्टा कर रहे हैं, तो आर की जगह माइनस कितना, 10, आर -10। फिर से देखो, इसने इमेज यहां बनाई, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा क्योंकि इस सरफेस ने इसको और बेंड कर देना है। तो ये अगर टोटल 20 है, आपने कहा डायमीटर 20 है, और टोटल ये टोटल डिस्टेंस 50 है, 50 में से 20 किया तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 30। तो ये सरफेस से ये डिस्टेंस कितना आ गया, 30। तो ये क्या माना जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट +30। इसके लिए सेंटर पीछे रह गया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10, और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला, म्यू वन म्यू टू आपको पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, फिर से वी आ जाएगा। इस बार जो वी आएगा वो कहीं और इमेज का डिस्टेंस आएगा, और वी सॉल्व करके आ रहा है 10 सेंटीमीटर, तो वी जो आएगा वो 10। तो अब एक चीज बताओ कि पहले केस में अगर हम बात करें कि जो पहले केस में नहीं, वी इसमें सॉल्व करके आ रहा है 10, सॉरी हाँ 10 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, यहां से यहां तक 10 है। अगर यहां से यहां तक 10 है और अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20, और ये दूरी कितनी है, 10, आंसर आ गया। तो आपको फर्स्ट सरफेस से भी इमेज की दूरी पता है 50 है, सेकेंड सरफेस से इमेज की दूरी 10 है, बस 10 लिख दो, आंसर डन। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे सोच रहे हैं, फर्स्ट के लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस अलग है और सेकेंड की रिफ्रैक्टिंग सरफेस अलग है। सर इसमें -30 नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि क्योंकि इसने, इस सरफेस ने इमेज यहां बनाई +50, राइट,
अब सेकेंड सरफेस ने इस इमेज को क्या माना अपना ऑब्जेक्ट, तो इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड यस के सर, लिए ये दूरी 50 में से ये 20 माइनस करेंगे तो 30 आएगी, प्लस 30 राइट। पर आपने तो कहा था ना कि इंसिडेंट रे का अगर ऑपोजिट होगा तो फिर माइनस लेना होगा हाँ तो ये देखो इस ना, ऑब्जेक्ट में ये से। देखो आपकी रेज कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है, तो राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि यस राइट का सर, डिस्टेंस प्लस 30 है। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ तो यस सर, सेंटर माइनस 10 है, ऐसे लगा ओके लो, सर, यस सर, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें। हाँ डेंसर टू रेयर बनेगा सेकंड केस, क्योंकि रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर है। वर्चुअल का केस अलग होता है, वर्चुअल से रे नहीं खींचती। नहीं, करेंगे हम सेकंड, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल ऑब्जेक्ट मान के रेज खींचते ही नहीं है कभी भी, हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डॉट के साथ बनाते हैं और फिर इसकी एक और इमेज बनाते हैं, हम कभी भी से रे नहीं खींचते, कोई डायग्राम में रे नहीं खींचेगा वो वर्चुअल में। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। ग्लास स्फीयर जिसका रेडियस 15 है, हैज अ स्मॉल बबल 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो आज जो शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन किया था लेक्चर का, यही तो था बस डायग्राम, उसमें यही तो था सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे है, तो ये अगर पोल है तो ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में पड़ा है तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये फॉर्मूला म्यू टू म्यू वन पता है। तो लेकिन आपको ये पोल से डिस्टेंस देना है ऑब्जेक्ट का, आपको ये रेडियस गिवन होगा, आपको ये 6 गिवन है, तो रेडियस 15 गिवन है, में से 6 गया तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 7 -7, रे इधर जा रही है -7, अब करना सॉल्व। तो वही क्वेश्चन है जो बबल ट्रैप वाला, बबल ट्रैप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, अभी 8 में, यस सर, 8 में डाउट है। 8th में देखो सेम क्वेश्चन है, फिर से बबल ट्रैप हो चुका है, ये पोल है, ये ऑब्जर्वर है, देखो जहां आई होती है ऑब्जर्वर की वहां पोल लिया जाता है हमेशा, पोल में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पोल ये भी है, पोल ये भी है, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पोल है, तो ये पोल है। तो अगर आपको ये रेडियस गिवन है, रेडियस में से सेंटर की दूरी गिवन है, तो आप पोल से डिस्टेंस निकाल लेना, सेम केस है, क्योंकि बबल कहां पर ट्रैप्ड है, डेंसर में, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला है, तो पोल से ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लेना, वहां से निकाल लेना जो निकालना, सेम केस है, ठीक है यहां तक।